आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों की पढ़ाई और उसका बेहतर भविष्य तय करने में याददाश्त की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात याददाश्त नहीं तो भविष्य नहीं। आज वैज्ञानिक तकनीक से हम अपने बच्चों की न सिर्फ याददाश्त बढ़ा सकते हैं बल्कि इसके बेहतर भविष्य का निर्धारण करने में भी सही भूमिका निभा सकते हैं, जो कि संभव है। मेमोरी माइलेज बच्चों को याददाश्त को लेकर ऐसा ही सकारात्मक प्रयास कर रहा है। राजधानी भोपाल में भी मेमोरी माइलेज ने अपनी कार्यशाला का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थी को अपनी याददाश्त का अधिकतम और सटीक उपयोग करना सिखाया गया। मेमोरी माइलेज के इंटरनेशनल ट्रेनर मोइन कुरेशी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कंपनी ने एक अद्भुत और वैज्ञानिक कार्यशाला तैयार की है, जहां 2 दिनों में बच्चों की शैक्षणिक योग्यता में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार हमारे दिमाग के हिस्सों में 2 प्रमुख भाग हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाता है और लेफ्ट ब्रेन का स्वभाव है कि नई नई सूचनाओं को रखने के लिए पुरानी सूचनाओं को डंप करते रहता है। इसके अलावा जो भी हम रोमांचक, दिलचस्प, दृश्य, स्वाद, इंटरेस्टिंग म्यूजिक घटनाएं देखते हैं वह हमारे राइट ब्रेन में जाती है और लगभग एक बार राइट ब्रेन में कोई सूचना आ गई तो वो जिंदगी भर डिलीट नहीं होती। कुदरत की इसी खूबी का लाभ उठाते हुए मेमोरी माइलेज नाम की एक ऐसी कार्यशाला तैयार की गई, जहां आने के बाद बच्चे बखूबी सीख जाते हैं कि लेफ्ट ब्रेन की इंफॉर्मेशन को तुरंत कन्वर्ट करके राइट ब्रेन में कैसे लिया जाए। और हम सभी जानते हैं कि राइट ब्रेन की सूचना जिंदगी भर डिलीट नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एग्जामिनेशन जो होते हैं ये बच्चों की याददाश्त के एग्जामिनेशन होते हैं। साल के स्टार्टिंग पे उन्हें कुछ बुक्स दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि इसे साल भर तक आप पढ़िए। साल के अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और ये गारंटेड है कि क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसके बाहर से नहीं रहेंगे। और साल भर पढ़ने के बाद बच्चों को उन्हें पढ़ के देना लिखना पड़ता है। ये देखा जाता है कि उन्हें याद कितना है। मैं पिछले काफ़ी सालों से आध्यात्मिकता पे लेक्चर दे रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 14 साल से इस ट्रेनिंग में मार्केटिंग फील्ड में हूँ। उसके बाद भी अगर आज भी मैं 10th क्लास का एग्जाम दूँ तो मुझे 10th क्लास की बुक लेनी पड़ेगी, उसे याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो शायद फेल हो जाऊँगा। इट मीन्स उनको मेरी आध्यात्मिकता से या नॉलेज के या एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि मुझे याद कितना होता है, दैट्स ऑल। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ याददाश्त के ऊपर एक कार्यशाला तैयार की और उसमें भी हमने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। पिछले 2 दिनों से ये कार्यशाला भोपाल में चल रही है, आज इसका समापन है, 2रा दिन है जो आज। और आज जो रॉ बच्चे, जो रॉ मटेरियल था मेरे पास बच्चों का, आज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे बन चुके हैं, इसका डेमोंस्ट्रेशन हम आज शाम को दे रहे हैं। रोचक तथ्य, म्यूजिक, ये सारे अच्छे टेस्ट, ये सब जो है ये राइट ब्रेन का पार्ट है, ये राइट ब्रेन में आता है। और राइट ब्रेन की एक खासियत है कि अगर एक बार राइट ब्रेन में कोई चीज आ गई तो जिंदगी भर कभी भूलते नहीं है। इसी वजह से आप सबको पता है कि जो शोले फिल्म है उसमें डाकू का नाम बब्बर सिंह था, am I right? बब्बर था भाई, बब्बर था सर, आप समझ गए? आप उससे बहस कर रहे हैं यहाँ पर स्पेस टाइम के दौरान कि नहीं गब्बर था सर, इतनी आपके दिमाग के अंदर वो बात जा चुकी है। बच्चा जानता है गब्बर था, एग्जैक्टली। ये राइट ब्रेन का काम है। आप देखिए फिल्म में हीरो को देखिए, वो उसका एक्सीडेंट होता है, अपनी उसकी मेमोरी चली जाती है यहां तक कि वो अपना नाम तक भूल जाता है, लेकिन कभी गाड़ी चलाना नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज उसके राइट ब्रेन में समाहित है, राइट ब्रेन में जा चुकी है। इस वजह से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।